आदमी है जो कबर्ड के अंदर घुस के पता करते हैं चीजें, अब मुझे पूछ रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं दुआया, तो मेरे साथ हैं खुशी। आज इमिटेशन करने वाले हैं अल्टीमेट अक्षय कुमार ठग लाइफ। बहुत ही मजा आएगा। अक्षय कुमार बहुत खतरनाक कुत्ते मारते हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट किए डे स्टार्ट करते हैं। Hey, what's going on guys? This is Mahesh Keshwala aka Thakesh, and आज अपना वीडियो अपलोड करने का दिन नहीं है, बट मैं एक बोनस अपलोड कर रहा हूँ। इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अक्षय कुमार पे एक वीडियो बनाओ, एंड भाई अक्षय कुमार की मूवी भी आ रही हाउसफुल 4, सो वीडियो तो बनती है। सो यस, अक्षय कुमार तो भाई पहले क्लिप में पहुंच गया अपना पटेली वाला रिपोर्टर, और भाई ने सवाल क्या पूछा, मोनी रॉय के साथ रोमांटिक सीन्स करके आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एंड वो जो हमें रोमांटिक सीन देखने को मिला जहां पर स्क्रीन भी थोड़ा फ्रीज हो गया, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर आप हमें कुछ बताना चाहे तो? आपके ठीक सामने बंगाली सीखनी पड़ी, लेकिन बंगाली एक्सेंट सीखना पड़ा। और वो रोमांटिक सीन, रोमांटिक सीन के बारे में क्या चाहिए आपको? दो तीन शॉट में क्या एक्सपीरियंस मिलेगा? तो भाई अभी ऋतिक कंगना कांड के बारे में किसको नहीं मालूम, तुम लोगों को तो मालूम ही होगा। तो उसी बारे में रिपोर्टर ने अक्षय कुमार से सवाल पूछा कि भाई इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत बड़ा वॉर चल रहा है ऋतिक और कंगना के बीच में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आप लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड में कहाँ चल रहा है, मेरी बिल्डिंग में चल रहा है। तो जिसको नहीं पता कि अक्षय कुमार ने ऐसा क्यों बोला मैं बताता हूँ। एक्चुअली अक्षय, ऋतिक और कंगना भाई एक ही बिल्डिंग में रहते, तो भाई अभी तो अक्षय कुमार बॉलीवुड के किंग है, लेकिन एक टाइम था जब अक्षय कुमार की एक भी मूवी चल नहीं रही थी, ब्लू, तीस मार खान, एक्शन रिप्ले, जोकर वगैरह वगैरह चल रही नहीं थी। तो उसी बारे में मैडम जी ने सवाल पूछा अक्षय कुमार से। Action replay and Eastman. What was the collection of India? If you are asking this question. Right, I'm not really aware of it. Then you should not ask a question which you don't know about it. तो तुम लोगों को तो मालूम ही अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्म्स मोस्टली पेट्रियोटिक होती है। एक्चुअली वो क्या है ना, आजकल ना स्कीम है, पेट्रियोटिक मूवी बनाओ और हिट लेके जाओ। तो तुम लोग को याद होगा अक्षय कुमार की मूवी गोल्ड और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते एक ही दिन पे रिलीज हुई थी, एंड सोर्सेस के अनुसार उस टाइम पे अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की कुछ पिछले दिनों सत्यमेव जयते के ट्रेलर लॉन्च पे जब एक सवाल किया गया जॉन अब्राहम से कि आपकी भी फिल्म आ रही है, उनकी भी फिल्म आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ही इज अ फ्रेंड और एक दिन पे दो फिल्में आ सकती हैं। आपको कैसा लगता है सर, क्योंकि एक ही दिन पे ये दोनों फिल्में आ रही हैं? He's a friend, बिल्कुल सही है, he's my friend. और हमारी इंडस्ट्री बेसिकली we are all friends, हम सब फ्रेंड्स हैं पूरी इंडस्ट्री में, और मैंने भी ये सीखा है कि फ्रेंड्स हैं, कोई भी किसी के डेट पे आ सकता है, साथ में आ सकता है। There also we were all friends, हम सब दोस्त हैं, पूरी इंडस्ट्री दोस्त है। अब कोई भी दिन हो, ईद, दिवाली, क्रिसमस, सब आएंगे, मिल मिल के आएंगे, क्योंकि हम सब दोस्त हैं। तो और अक्षय कुमार ने ये किया भी, अक्षय कुमार ने रिलीज की मिशेल मंगल विद बाटला हाउस, एंड भाई बाटला हाउस का क्या हाल हुआ ये सब तो तुम लोग को पता ही है। तो भाई जब वंस अपॉन टाइम इन मुंबई दोबारा रिलीज हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अक्षय कुमार एंड बॉलीवुड का दाऊद के साथ कनेक्शन है, इसलिए दाऊद पे मूवीज बना रहे। तो भाई इस बारे में रिपोर्टर ने अक्षय कुमार से सवाल भी पूछ दिया।
बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है या रहता था आपके एक्सपीरियंस के साथ? जी आपको क्या लगता है, मुझे पता होगा इसके बारे में? सर आप काफी जब आप नहीं जानते प्रेस में हो के मीडिया में हो के तो आपको लगता है मुझे पता होगा? नहीं आप कमाल की बात है, आप वो आदमी हैं जो कबर्ड के अंदर घुस के पता करते हैं चीजें, आप मुझे पूछ रहे हैं कितना ये एक डिफिकल्ट था। और दूसरी चीज जो एंट्री है वो काफी धासु थी, ये आजकल रियल लाइफ में भी हो रहा है आईपीएल में अंडरवर्ल्ड इन्वॉल्वमेंट, कितना मानते हैं आप इस चीज? जी देखिए जो पहला सवाल है मुझे लगता है आप जुड़वा हैं क्योंकि अभी तक पूछ चुके हैं वही सवाल, लेकिन आप ही ने वही सवाल पूछा है, वो आपने थोड़ा ट्विस्ट कर गए थे। हाँ तो ट्विस्ट ही करूंगा ना, क्यों तुझे सीधे देने मैं जरूरी समझता हूँ। तो भाई कुछ साल पहले अक्षय कुमार की मूवी आई थी जोकर, जो इतनी बड़ी डिजास्टर थी कि उसके बाद अक्षय कुमार कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। तो भाई अक्षय कुमार जब अंडरग्राउंड से बाहर आए तो रिपोर्टर ने उस बारे में सवाल पूछा कि आप गायब क्यों थे? नहीं दिखाई है, आई मीन क्या रीजन है, बिकॉज यू आर द लाइक, क्या रीजन था कि आपने कहीं नजर नहीं आए आप? माता जी ऐसा है कि हम उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ओह माय गॉड के बारे में। सर आप मिलते ही नहीं इसलिए सवाल अभी पूछ रही हूँ। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आपको मिलने के बाद मैं ही जवाब दे रहा हूँ। फरा भी नाराज है, डिस्ट्रीब्यूटर भी रो रहे हैं सर। तो रोने दीजिए, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ठीक है ना, आप मत रोइए। Why this kissing scene is become important in Why kissing scene is become a very important in Bollywood film? You saw this promo of 2.5 minutes and you've seen a kissing scene. Dude, you got issues. Akshay ji, मेरा सवाल अक्षय जी यहाँ पे, अक्षय जी यहाँ पे, the producers become an actor. So वो देखिए इसको तो सीन है एक्शन, आज वेलवेट के कपड़े पहन के आया इसका मतलब ये नहीं, नहीं है। क्या बात है यार, सही बात की है उन्होंने, सुना दिया भाई अक्षय ने। बाय द वे करण जौहर की एक्टिंग तो तुम लोगों को पता ही है बॉम्बे वेलवेट में कितनी खतरनाक थी। तो भी हमें पता है अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन का बहुत साल पहले अफेयर चल रहा था, एंड जब जब अक्षय कुमार को उस बारे में सवाल पूछा है तब तक अक्षय कुमार ने ली है रिपोर्टर की, फिर भी रिपोर्टर उस बारे में सवाल पूछेंगे क्यों में चर्बी है। अच्छा जी आपका रवीना टंडन के साथ उस समय जो इंटरेक्शन था वो कैसा था सेट्स पे, उसके बारे में जानना चाहेंगे? बाईस साल पुरानी बात आप पूछ रहे हो, मुझे तो ये याद नहीं कल क्या खाया था मैंने। तुझे याद है परसों क्या खाया था तुमने? छोले भटूरे खाए। दावे से बोल सकता है, झूठ बोल रहा है, दावे से बोल रहा है तू, शाम को छोले भटूरे बन ही नहीं सकते, ये सुबह का नाश्ता होता है। घर पे नहीं खाए? अच्छा घर से नहीं खाए, कहाँ फिर खाए हो? किसके घर पे खाए? यार कहाँ से तो सोचा भी नहीं होगा चुप हो गया हो। तो जब 2012 में मोदी गवर्नमेंट की सरकार बनी थी तो एक रिपोर्टर ने अक्षय कुमार से पूछा कि कांग्रेस की ठनठन गोपाल हो गई है मोदी के सामने, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो भाई हम सबको पता है अक्षय बाबा की रूटीन कितनी स्ट्रिक्ट है, कि वो सुबह 5 बजे उठते हैं एंड रात को 8 बजे तक सो जाते हैं। तो भाई उसी बारे में रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा एंड अक्षय भाई का जवाब देखो। ठीक आओ अक्षय जी, फिल्मों की मैं बात करना चाहूंगा, आप और करीना कपूर 9 साल के बाद एक फिल्म करने वाले हैं, तो आप कुछ बताना चाहेंगे आप कि कितने एक्साइटेड हैं आप उस फिल्म को लेकर? ब्रिज आप एक काम करो, आप दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना जहां इसकी बातें होंगी, अभी फिलहाल ये चल रहा है। आप समझदार इंसान लगते हो मुझे और आप ऐसी बातें कर रहे हो यहाँ
यहाँ क्या जरूरत है इसकी बात की? हम स्वस्थ भारत की बात कर रहे हैं, आप करीना कपूर की बात है। मेरी घड़ी में 8:36 हो रहे हैं, हमने सुना है ये जो 8:36 हो रहा है मेरी घड़ी में, हमने सुना है ये आपका सोने का टाइम है, 8 के करीब आप सो जाते हैं। तो इस समय आप अब तो बंद करेगा तो मैं जाऊँ। क्या बात है यार। तो भाई ये रहे अक्षय कुमार की कुछ बहुत ही हार्ड बोनस क्लिप्स। यहाँ पे भी गुस्से में लग रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि IMX का फुल फॉर्म क्या है? अभी नॉलेज के सवाल। मूवी ऑल एक्सपीरियंस मैक्सिमम इमेज मैक्सिमम यू नो ही टोल्ड मी टू से दैट You know what I was going to tell you? Indian movie at Christmas. खिलाड़ी है, बहुत कहते खिलाड़ी, सारे इनकी फिल्म के गाने में मुंह का मुंह देखो। तो आज हमने उनको मिलके उनको रिक्वेस्ट किया कि अगर वो शिफ्ट हो सके, क्योंकि इतने बड़े स्टार हैं उनके सामने, शायद हमारे लिए एक और बड़ी मुश्किल हो जाती है अगर ये फिल्म साथ में आती तो। सो और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अब रावड़ी राठौर 2 बनेगा। ओह जो गाना ट्रेलर सब चीज का बहुत अच्छा रिस्पांस था। तो जब ये कब लगा कि नहीं मुझे लगता है 9th फिल्म को जाना चाहिए, उसके बारे में बताते। अरे कब लगा, अभी तो पूरा कहानी सुना है उन्होंने पूरा। अभी तू लेट आया तो बाजू वाले को पूछ। क्या बात है यार, अभी तू लेट आया बाजू वाले को। तो भाई तुम लोग में से अभी बहुत लोग कमेंट करेगी, इसमें से कुछ वीडियोस हमने पहले देखी हुई है, तो मैं उस बारे में बताता हूँ। एक्चुअली मेरे चैनल में जिस वीडियो में मेरी फेस नहीं थी वो वीडियो मेरे डिलीट हो गए। सो अभी फेस के साथ आई एम प्रेजेंटिंग दिस वीडियो, सो तुम लोग को थगले वीडियोस मिलती रहे, सो प्लीज 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 सपोर्ट करो। तो भाई फाइनली नेक्स्ट वीक आ रही है मेरे व्लॉगिंग चैनल पे मेरी फर्स्ट वीडियो। आई नो मैं ये संडे डालने वाला था, एक्चुअली मैं अक्षय कुमार थगले पे कुछ दिन से काम कर रहा था सो वो एडिट नहीं कर पाया। सो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी की अभी जाके व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। एंड अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं उधर बहुत सारे गिवअवेज रखता हूँ, तो अगर फॉलो नहीं किया तो अभी के अभी फॉलो करो। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करो और मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ कि अक्षय कुमार के बारे में तुम लोग का क्या ख्याल है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। तो भाई तब तक के लिए पीस आउट। ओ मामो मेरे से वाह यार बहुत मजा आया यार, करने वालों को जो ही चबाते हम, बेटा दांत से ना करता बात हाथ से, अगर करूंगा हाथ से तो हो जाएंगे हाथ से। जवाब दिए हैं कहीं पे खिलाड़ी मौनी रॉय को उन्होंने किसका गाना बताया और वो वहीं पे शुरू हो गए और उन्होंने फिर से वो भी वहीं पर ही हंस पड़े। आजकल के जो बच्चे हैं मतलब हम भी इतना जल्दी नहीं सोते और जल्दी रात में जागते रहते हैं, और जल्दी सोना और जल्दी उठना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और अक्षय कुमार मेरे ख्याल से 4 पता है कितने बजे उठते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर एक्सरसाइज करना, तो ये जब पर्सनल सवाल पूछेंगे तो उनको गुस्सा आएगा ही। और उनकी ज़्यादातर ऐसी भी वीडियोस थी मतलब जो ठग लाइफ में कि ये मतलब फिल्म की शूटिंग किसी और काम के लिए आए थे और वो कोई और सवाल पूछ रहे थे तो इसलिए उनको ज़्यादा गुस्सा आया। तभी भी उन्होंने नरमी से बात और वो मीडिया वालों से बात करे थे लेकिन मौनी को बहुत ज़्यादा बता रहे थे और उसका मुँह तो देखने लायक था। तो गाइज हमें तो इनकी वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इनकी ठग लाइफ बहुत जिस लाइन वाली ठग लाइफ थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप बताइएगा आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।